रह रहे थे और लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। तेलंगाना के हैदराबाद में एक ट्रैफिक कांस्टेबल का दौड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जाता है कि एक एम्बुलेंस जाम में फंसी थी। मरीज की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस का वक्त पर अस्पताल पहुंचना जरूरी था। ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक का रास्ता साफ करवाने के लिए एम्बुलेंस के आगे लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल की जमकर तारीफ की जा रही है। बता दें कि जब ट्रैफिक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी कांस्टेबल बाबजी ने देखा कि एक एम्बुलेंस में मरीज है और वो जाम में फंसी हुई है। जाम से उस एम्बुलेंस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारी जाम के चलते एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाता। ये सब देखते ही कांस्टेबल तुरंत एक्शन मोड में आ गए और एम्बुलेंस के सामने आकर रास्ता बनाने लगे। ट्रैफिक कांस्टेबल ने एम्बुलेंस का रास्ता बनाने के लिए लोगों को प्यार से डांट डपट के जैसे तैसे करके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाया। कांस्टेबल की इस दृढ़ निश्चयता को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की और उनके लिए तालियां भी बजाई। बताया जाता है कि ये वीडियो एम्बुलेंस में भीतर बैठे हुए एक शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने ट्रैफिक कांस्टेबल की जमकर तारीफ की और इसी सराहनीय कार्य के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल को सम्मानित भी किया गया है।